आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, शुरू मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह खेल के भी आ गया अपनी फुटबॉल पर महारानी सो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो देखना, चलो देख लो इनको, अभी तक सो रही है। देखो उठ जाओ जी, उठ जाओ जी, मम्मी जी उठो उठो उठो, उठ ही नहीं रही है मेरे कहने से। तो पिछले संडे था कि मशीन रखकर कपड़े सही करने हैं, बट पिछले संडे बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से मेरा वर्क रह गया। सो अब इस संडे मशीन नाश्ते की भी तैयारी संग संग चल रही है, क्योंकि मे भी हो सकता है कहीं जाना पड़े हमें एक दो दिन के लिए, तो इसलिए सोच रही हूँ आज का काम आज ही निपटा लूँ। आज बना रही हूँ ड्राई अरबी। अरबी को उबाल कर तल लिया है मैंने, ज्यादा नहीं तला, हल्का हल्का तला है। और अब इसमें मैं डालूंगी धनिया, धनिया ज्यादा मात्रा में डालूंगी क्योंकि धनिया से आता है फ्लेवर। थोड़ा सा डालूंगी पिसा हुआ दरदरा सौंफ, ज्यादा मतलब बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है, हल्का पिसा हुआ है। फिर हल्दी, नमक, लाल मिर्च, आमचूर, आमचूर थोड़ा डालूंगी और गरम मसाला। और इसके साथ थोड़ा सा ऐड करूंगी मैगी मसाला। मैगी मसाले से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और डालूंगी इसमें सबसे पहले जब रिफाइंड तेल गर्म हो जाएगा ना, सरसों का तेल, पहले डालूंगी हींग। हींग बहुत ज्यादा मात्रा में डालूंगी क्योंकि हींग ना मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे क्या मेरे घर में सबको। तो हींग, हींग के संग डालेंगे अजवाइन, अजवाइन और ये है राई, और राई के संग जीरा। ठीक है, पहले सबसे पहले ऑयल में ये सब डालूंगी, उसके बाद मसाले डालूंगी, उसके बाद अरबी डालूंगी और फिर इसे गार्निश करूंगी हरे धनिए से। और जो यम्मी यम्मी तैयार होने वाली है ना अरबी। ये सारे ड्राई मसाले लिए, ये हो गए ड्राई मसाले इसमें, और थोड़ा सा पकने देती हूँ थोड़ा सा। कढ़ाई में पहले मैंने इसी कढ़ाई में ना अरबी को भी तल लिया था, तो एक बर्तन में ही दो तीन काम। कितना अच्छा हो गया मसाला रोस्ट, अभी जितना ड्राई मसाला है ना सब एक साथ डाल दूंगी। ये देखिए, हा हा हा, हल्का सा पानी डालूंगी, हल्का सा पानी, बिल्कुल एक चम्मच जितना, बस ओ बस बस बस। अब डलेगी इसमें मेरी अरबी। खुशबू कैसी आ रही है अंश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, क्योंकि मे भी हो सकता है हम कहीं निकले ट्रैवलिंग के लिए, तो उस पर्पज से भी मैंने थोड़ी ड्राई बनाई है, जिससे कि अगर रास्ते में हमें। ये देखिए हो गई हमारी लिपटवा अरबी रेडी, कितना सुंदर आ रहा है इसमें येलो ग्रीन वाइट कॉम्बिनेशन। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड पूजा के घर पर कीर्तन में, जाना मुझे कहीं और है लेकिन इसकी धमकी इतनी आई ना कि अभी आओ अभी आओ अभी आओ, तो दौड़ती भागते हुए मैं इसके घर पहुंची। आइए आज कीर्तन थोड़ा सा दिखाएंगे आपको अपने ब्लॉग में। Thank you.
कीर्तन से आना पड़ा जल्दी जल्दी क्योंकि कहीं और जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है। अभी पैकिंग करी है, खाना थोड़ा बहुत पैक करा है साथ के लिए। वेट कर रहे हैं गाड़ी का कि आज शायद हमारे को कोई गाड़ी मिल रही है, तो सोच रहे हैं उससे ही चलो हो आते हैं। मम्मी को मिलवा कर लाते हैं उनकी सिस्टर से, क्योंकि मम्मी को अपनी बहन से मिले हुए सालों हो गए हैं, सालों कोरोना की वजह से नहीं मिल पाए, उससे पहले भी कई साल हो गए हैं। और मम्मा की एक ही सिस्टर है इनकी, तो बहुत मन उदास भी थी कई टाइम से, तो सोचे चलो उन्हें मिलवा कर आते हैं। तो जैसे भी होगा कल व्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम गए या नहीं गए, क्योंकि हमारी तरफ से तो पैकिंग हमारी तैयारी 100% है, बस अब निकलने पर डिपेंड करता है कि कब निकलते हैं, कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे हम आपको कल। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। और आज तो आपको कीर्तन की भी झलकियाँ देखने को मिली, तो प्लीज़ बताइएगा कैसे लगा हम सबका कीर्तन, क्योंकि हम सब लोग बहुत मिलकर करते हैं, सब फ्रेंड्स मिलकर करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।